Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom Commerce. In this particular session, we'll be covering marketing and management. So, marketing management ko aaj hum log completely revise karne wale hain aaj ke is particular session ke andar. So, join kar jao aaj ke is particular session ke andar. Let me know whether the session is live, whether you can hear me, you can see the slide properly or not. So that we can start with this particular session. Hello Payal, hello Akshay, hello Sushma, hello Kanchan, Alka, Sheenam. Clear, everything is clear. Okay. Hi Simran, hi Girish, hi Smriti, Shriyanka, Surbhi, Sashma. Okay, all clear. Okay, very good. Chalo, toh marketing management, I believe, syllabus sabko pata hoga. Still, chota sa recap kar lete hain ki aaj ke session ke andar hum log kya kya cover up karne wale hain. Toh jo bhi aspirants kisi dusre examinations ke liye bhi ye agar session hamara dekh rahe hain, toh unko pata chal jaye ki hum log aakhir kya kya wo topics hain jo aaj ke session ke andar hum log cover up karne wale hain. Toh yahan pe hum topics dekh lete hain. Marketing management, that is unit number 8, NTA, UGC NET, commerce ki unit ke agar hum baat करें, पायल सारी ही चीजों को कंफर्म कर देंगे सेशन जैसे जैसे आपका आगे जाएगा. ओके, अभी तक हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं सारा रिवाइज करवाऊंगी आपको. तो ओके, यूनिट नंबर 8 की बात करें तो हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. सो विल बी कवरिंग मार्केटिंग, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी अप्रोचेज हैं, मार्केटिंग चैनल्स कवर अप करने वाले हैं हम लोग. मार्केटिंग मिक्स कवर अप करेंगे इसके अंदर हम लोग, प्लानिंग कवर अप करेंगे इसके अंदर, सेगमेंटेशन आएगा, मार्केट सेगमेंटेशन आएगा, टारगेट आएगा, पोजिशनिंग आएगा हमारे पास में, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन को हम लोग कवर अप करेंगे, यानी प्रोडक्ट लाइन क्या है हमारे, प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड जो डिसीजन हैं जिसके अंदर विथ प्रोडक्ट लाइन की आपकी लेंथ की बात करेंगे, की बात करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कवर अप करेंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कवर अप करेंगे. देन हम लोग आएंगे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर. तो प्राइसिंग डिसीजंस के अंदर विल बी कवरिंग दी फैक्टर्स जो भी इफेक्ट करते हैं मेरे प्राइस डिटर्मिनेशन को. उसके बाद में प्रमोशन डिसीजंस को हम लोग बात करेंगे कि प्रमोशन डिसीजंस क्या है, रोल ऑफ प्रमोशन मार्केटिंग का, ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे. देन वील मूव ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, इसके अंदर हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कवर अप करेंगे. कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कंज्यूमर का जो बाइंग प्रोसेस है, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती हैं, बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे. देन वील बी टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग. तो जो भी ये आपके नए वाले टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे सोशल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, रूरल मार्केटिंग क्या है, एंड आपका CRM क्या है, ये छोटा छोटा हम लोग कवर अप करेंगे. देन वील बी टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. तो इतने हैं टॉपिक्स आज के सेशन के अंदर हमें कवर अप करने. सो वील स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन. जल्दी से मेरे को यहाँ पे एक बारी वाई लिख के बता दो कि ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन एंड जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. ओके, जल्दी से मेरे को एक बारी वाई लिख के बताओ दैट एवरीथिंग इज क्लियर. गुड आफ्टरनून सुमोना. चलिए, गुड आफ्टरनून रॉफर. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये वाला सेशन हमारा. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो दोज यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ बुशरा शाजली, आई टीच Paper 1 एंड Paper 2 कॉमर्स ऑन अनअकैडमी प्लस. तो अनअकैडमी के ऊपर भी मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, Paper 1 के PYQs, MCQs से रिलेटेड कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे डिटेल कंप्लीट कोर्सेज हैं आपके कॉमर्स के एग्जामिनेशन के लिए. फॉर दी अपकमिंग NTE UGC NET एग्जामिनेशन के लिए भी मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज आने वाले हैं. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट, आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं. कंप्लीट कोर्सेज मेरे वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब करते हैं, कर सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर. तो इफ़ यू गाइज वांट, वहाँ पे आप कोर्सेज लेने के लिए मेरा रेफरल कोड जो है ये यूज़ कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट से. अगर हम लोग स्टार्ट करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें,
मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है क्या, इसको कवर अप करेंगे? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फैसिलिटेट करेगा एक्टिविटीज फंक्शंस जो भी इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड. यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि जो भी एक कंपनी है वो प्रोडक्ट्स बनाती है, इस प्रोडक्ट्स को हम कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं? कस्टमर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं. तो मार्केटिंग क्या है? एक वो प्रोसेस है, एक वो तरीका है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे किसको? अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को. और पर्पस क्या रहता है यहाँ पे? प्रॉफिट कमाना हमारा पर्पस रहता है. मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो स्कोप है इज वेरी 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 वाइड. क्या एडवर्टाइजिंग यूज़ करनी है, पर्सनल सेलिंग करनी है, कैसी प्राइसिंग रखनी है, पैकेजिंग, आप जो भी कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लें अगर वो अफोर्डेबल है तो कस्टमर लेगा. इस वाले एरा के अंदर ये मेंटालिटी थी. फिर हमने धीरे धीरे डेवलप किया. इन्होंने क्या कहा कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करिए तो अगर एक प्रोडक्ट अच्छा है अपने आप बिक जाएगा, आपको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है. कौन सी एरा की बात हुई? प्रोडक्ट एरा के अंदर. उसके बाद में सेल्स ओरिएंटेशन एरा आई. सेल्स ओरिएंटेशन का मतलब आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना लीजिए ना, घटिया से घटिया भी प्रोडक्ट होगा अगर आपका, और आपने उसके ऊपर अच्छा एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग लगाया है तो बिल्कुल बिल्कुल आप कन्विंस कर ले जाएंगे कस्टमर को खरीदने के लिए. फिर आई हमारे पास में मार्केटिंग ओरिएंटेशन एरा. अब यहाँ से प्रोडक्शन और प्रोडक्ट से कॉन्सेप्ट जो है हट के कहाँ पे चला गया? कंज्यूमर्स की तरफ, कस्टमर्स की तरफ चला गया. अब इस एरा ने क्या बोला? कस्टमर जो है किंग है. हमको क्या बनाना है? एक नीड डेवलप करनी है. हमको देखना है कि भाई गैप क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, और उसको फिलअप करने की कोशिश करनी है हमें. ये किस एरा ने बात करी? मार्केटिंग ओरिएंटेशन एरा ने बात करी. फिर हम लोग आ गए अब रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर. यहाँ पे हमने इस एरा से हम कह सकते हैं अभी हम थोड़ा सा और डेवलप कर गए हैं. अब हम क्या बात करते हैं? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात करते हैं. कस्टमर्स के साथ में डेवलप करना. आपने देखा होगा बिग बाजार और हर जगह पे वो कार्ड, लॉयल्टी कार्ड्स बनाते हैं, उसके अंदर पॉइंट्स ऐड करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट कि आज तो आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई है, कल भी आप उन्हीं के पास में वापस जाएं. सो दिस इज व्हाट आपका ओके. सो दिस इज व्हाट आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग एरा इज. ओके, अभी क्लियर है क्या सबको? अभी क्लियर है? ओके. सो हमने डिस्कस किया, हम आए थे, मैं एक बारी रिवाइज करवा देती हूँ जिनके लिए भी स्टक था. आई बिलीव थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया होगा. सो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन था. इन्होंने कहा कि कम से कम पैसों में प्रोड्यूस करिए और सेल कर दीजिए. फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एरा के ऊपर आए. यहाँ पे क्या बोला कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप सेल हो जाएगा. सेल्स ओरिएंटेशन के अंदर आया कि कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, कैसा भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आप सेलिंग टेक्निक्स अच्छी लगा रहे हैं तो आप उसको बेच ले जाएंगे प्रोडक्ट को. मार्केटिंग ओरिएंटेशन एरा अंदर क्या बात करी? मार्केटिंग ओरिएंटेशन एरा बोलती है कि कस्टमर किंग है, आपको पहले कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करनी है और जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर करेंगे फिर उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होगा. उसके बाद में रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करें तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या कहती है आपकी? आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करिए कस्टमर के साथ में. होपफुली यहां पर समझ आया होगा. तो इस तरीके से ये हमारी पांचों एरास थी. यहां पर ही पहला कॉस्ट को कट करने की बात करती थी, उसके बाद में अच्छा प्रोडक्ट बनाने की बात करती थी, यहां पर सेलिंग के बारे में बात होती थी, यहां पे कस्टमर को किंग माना, और लास्ट एरा के अंदर क्या हुआ? रिलेशनशिप विद कस्टमर. स्लाइड्स ब्लर मेरे एंड से नहीं हो सकती हैं. स्लाइड अगर ब्लर हो रही है तो आपका नेटवर्क जो है वो स्लो है, तो आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क अपग्रेड करिए, बंद करके खोल लीजिए, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अपग्रेड करिए. दैट इज योर इशू फ्रॉम योर एंड. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मार्केटिंग की बात करें, कॉन्सेप्ट क्या क्या है मार्केटिंग का? तो सेम वही तरीके के कॉन्सेप्ट है. प्रोडक्शन एरा की यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला गया? आइडिया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्या है आपका? कंज्यूमर्स फेवर करेंगे प्रोडक्ट्स को जो अवेलेबल है, हाईली अफोर्डेबल. इस हमारे कॉन्सेप्ट ने बोला, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है वो होल्ड करता है कि कंज्यूमर्स जो है वो कौन से प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, वो से प्रोडक्ट को फेवर करेंगे जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी है. सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि कंज्यूमर कभी भी नहीं खरीदेंगे प्रोडक्ट को जब तक आप उनको बेचना ना चाहें, यानी जब तक आप सेलिंग या प्रमोशन एफर्ट्स ना लगाएं. कौन से कॉन्सेप्ट ने बोला? सेलिंग कॉन्सेप्ट ने बोला. तो एम क्या है सेलिंग कॉन्सेप्ट का? कि कंपनी जो भी कुछ बना रही है, आप उसको बेच ले जाएंगे. रियलिटी में यार होता भी आजकल यही पे है. आपने अगर जो है अपने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखे हो, इतने वाहियात प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग खुद ही खरीद के ले आते हैं यार. क्यों? क्योंकि हमने एड
देखा होता है उसके ऊपर, लिटरली हमें खुद भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो है ये प्रोडक्ट कुछ नहीं करने वाला है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ जाते हैं वो रिंकल्स वगैरह ठीक करने के लिए, यार कभी ठीक नहीं होने वाले उससे, सबको भी पता है, बट स्टिल चलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिपेंड्स ऑन नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट एंड डिलीवरिंग डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन बेटर देन कॉम्पिटिटर्स डू। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई सबसे पहले कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करो, गैप क्या आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, एंड उसके बाद में क्या करो, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच लगाओ। यानी यहाँ पे आप कॉम्पिटिटर से पहले उस पर्टिकुलर चीज़ को फिलअप करने की कोशिश करो, वो जो गैप है कस्टमर का उसको फिलअप करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आएंगे हम लोग सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हमको कस्टमर को वैल्यू पहुंचाना है, हमको क्या करना है उसके साथ रिलेशनशिप जो है कैसे करनी है, मेंटेन करनी है, इंप्रूव करनी है। आप यार इतने देखिए आजकल आप जहां पे भी जिस भी शॉपिंग मॉल के अंदर जाइए ना, हर कोई आपसे नंबर मांगेगा, बोलेगा कार्ड बनवा लो, इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद में पॉइंट्स आएंगे, उस पॉइंट्स के अंदर क्या होगा, उस पॉइंट्स के अंदर आपको फर्दर आप शॉपिंग करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज वॉट दे एक्चुअली से आपको। सो वट आर दे ट्राइंग टू डू ओवर ईयर आपसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज वॉट आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पुट्स द ह्यूमन वेलफेयर ऑन टॉप बिफोर प्रॉफिट्स एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स। अब यहाँ पे अगर आपने देखा हो, मैक्स की आप बात कर लीजिए या कहीं पे भी आप बात कर लीजिए, एक ऐसे बॉक्स सॉर्ट ऑफ लिख के रखा होता है, या वो आपसे पूछते हैं कि आप 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगे, ये डोनेशन इसकी जगह पर जाएगा, ये डोनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, दिस इज वॉट दे एक्चुअली डू। तो आपसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, दिस इज वॉट आपका कॉन्सेप्ट इज। फिर हम लोग आएंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। सो मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मिक्स आपका किसने इंट्रोड्यूस किया, नील एच बॉर्डेन ने इंट्रोड्यूस किया अपने आर्टिकल के अंदर। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। नाउ ही लर्नड अबाउट इट इन अ रिसर्च बुलेटिन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट रिटन। ये किसने लिखा, इन्होंने कहाँ से सीखा था इस पर्टिकुलर चीज़ को, इन्होंने सीखा था जेम्स क्यूलटन से। नाउ 1948 के अंदर इन दिस स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स मार्केटिंग कॉस्ट इन्होंने डिस्क्राइब किया था इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो अगर हम बात करें मार्केटिंग मिक्स, फिलिप कोटलर ने क्या बोला, मार्केटिंग मिक्स क्या है, 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हमारा, 4 P's। 4 P's कौन कौन सी, आपकी प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गया, जो हर एक कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी, मतलब देखना अपनी डिजायर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, ऑर्डर लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें क्या क्या है वो मेरे 4 P's, तो एक हो गया मेरा प्रोडक्ट। तो एक कंपनी को क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है ना, प्रोडक्ट आर ऑफरिंग्स जो एक मार्केटर ऑफर करता है अपने टारगेट ऑडियंस को, ताकि वो उसकी नीड्स जो है उसको सेटिस्फाई कर पाए। अब जो प्रोडक्ट है मेरा टैंजिबल गुड हो सकता है इनटैंजिबल सर्विसेज हो गई, भाई बहुत सारे लोगों के लिए हम कह सकते हैं वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो टैंजिबल गुड्स मेरे जैसे सेलफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, मोटर कार हो गया, ये सारा कुछ हो गया आपका। नो प्राइस की अगर हम बात करें, किस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को आप सप्लाई कर रहे हैं। फिर प्रमोशन रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट कम्युनिकेशंस, भाई आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, आप पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं, आप सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं। फिर प्लीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं आप, रिफर्स टू प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर कस्टमर्स एट कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल प्लेस। तो ये 4 हम बोले मार्केटिंग मिक्स, हालांकि अभी एक्सटेंशन हो गया आपका आपके पास में, तो ये हम लोग 4 मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं। तो दिस इज व्हाट आपका 4 P's इस। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 3 P's आपकी और ऐड हुई, वो 3 P's आपकी कौन कौन सी थी, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस। तो फिजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें तो रेफर करते हैं टू एलिमेंट्स लाइक यूनिफॉर्म ऑफ एम्प्लॉइज, साइन बोर्ड्स एक्सेट्रा। भाई फिजिकल एविडेंस, भाई ऐसा ना हो एक जगह पे आपने कुछ और लिख के रखा है, एक जगह पे आपने कुछ और लिख के रखा है। क्या ऐसा होता है कि कई बार आपने कोई यूनिफॉर्म देख रखी हो या कुछ, अगर आपने अनअकैडमी ही देखा हो तो यहाँ पे व्हाट इज हैपेंड कि वो ब्लैक कलर की टी शर्ट आपको दिखती होगी, ऐसे तो आपको खुद ही पता चल जाता होगा। सो दिस इज इनकी ये यूनिफॉर्म है एक तरीके से आप कह लीजिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस आपका। तो फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, है ना, आपको दूर से देख के पता चल जाए, पीपल
प्रोसेस. उसके बाद में अगर हम बोले पीपल रेफर्स टू एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दी कस्टमर्स इन दी प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम लोग कस्टमर केयर के नाम से जानते हैं. प्रोसेस वो सिस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम इस फोर सीज की बात करें, कंज्यूमर के फोर सीज की बात करें, तो क्या है, एक हमारा हो गया कंज्यूमर हो गया, फिर हमारे पास में कॉस्ट आ गई, हमारे पास में कम्युनिकेशन आ गया, हमारे पास में कन्वीनियंस आ गया. अब ये क्या कहता है इन दिस मॉडल, ये जो मॉडल है इन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्ट जो है वो इज रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर. यानी यहाँ पे हम लोग जो ये मानटव्यू से बनाते हैं नाउ, जो आपका मार्केटर है वो फोकस करेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ. प्रोडक्ट से ज़्यादा हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ ट्रीट करेंगे. पहले हम कस्टमर को देखेंगे कि भाई कस्टमर किस पर्टिकुलर चीज़ से सेटिस्फाई होता है, एंड उसी के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे. कॉस्ट, इन्होंने क्या कहा, प्राइस को कॉस्ट से रिप्लेस कर दो. पहले आप ये देखिए कि आपकी हेयर द कॉस्ट रेफर्स टू टोटल कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट को ओन करने के लिए आ रही है. अब ये कॉस्ट किसके लिए आ रही है, हम देखेंगे कि कस्टमर को कितनी कॉस्ट पड़ रही है. तो यहाँ पे हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिप्लेस किया, इन्होंने क्या कहा कि कम्युनिकेशन के अंदर भाई आप किस तरीके से कस्टमर को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें. आप इन्होंने कहा कि प्रमोशन वर्ड ना यूज़ करिए, आप क्या यूज़ करिए, आप कम्युनिकेशन यूज़ करिए. कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब आप कस्टमर को क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर को कम जो है उसकी कन्वीनियंट जगह के ऊपर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर अगर हम बात करें मार्केट सेगमेंटेशन की, इन्होंने कहा ठीक है, अब आपने प्राइस देख लिया, आपने प्लेस देख लिया, ये सारे आपने बेसिक चीज़ देख ली है. अब हम क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखिए, जैसे आप जियो की बात देखिए, तो ये लोग ना फुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं. फुल मार्केटिंग कवरेज का मतलब होता है कि एक सिंगल मार्केट के तरीके से ट्रीट करते हैं. यहाँ पे पूरे के पूरे आप देखिए, ये लोग पूरे के पूरे मार्केट को एक सिंगल सेगमेंट के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह को. यानी हर एक कस्टमर ग्रुप्स के लिए स्ट्रैटेजी उनकी अलग रहती है. जैसे आप देखिए बॉटल्स के अंदर भी शैम्पूज आते हैं, सैशीज के अंदर भी ये लोग शैम्पू देते हैं. तो यहाँ पे क्या करते हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन, पूरे मार्केट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मार्केट जो है कंसिस्ट करता है ऑफ बायर्स हु डिफर इन वन और मोर रेस्पेक्ट्स. आपका नाउ दे डिफर इन देयर वॉन्ट्स आपकी डिफर कर सकती हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस डिफर कर सकती हैं, एटीट्यूड डिफर कर सकता है, बाइंग बिहेवियर डिफर कर सकता है. तो इसके बेसिस पे जो हमारे मार्केटर्स हैं वो हमें अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, हम कहते हैं अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं. तो जो प्रोसेस है जो यहाँ पे हम लोग कस्टमर को ग्रुप डाउन करने की कोशिश करते हैं कुछ होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. तो ये जो मेरी हम लोग ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप्स में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज आपका मार्केट सेगमेंटेशन करना. अब बेनिफिट क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के, भाई क्यों करते हैं हम मार्केट सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो पहला हो गया प्रोडक्ट्स. तो कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आर डिज़ाइंड टू बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द मार्केट प्लेस. नाउ सेगमेंटिंग मार्केट फैसिलिटेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड. अब आपको मैं एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, दूसरे टाइप का प्रोडक्ट किसी और को प्रोवाइड कर रही हूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको पसंद आएगा किसको नहीं, जब अगर मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया, ग्रुप्स में बांट के मैंने आपको असाइनमेंट दे दिए, इसके बाद में क्या आप मुझे पता चल जाएगा कि किस ग्रुप को दिक्कत हुई इस असाइनमेंट को करने में. सेम गोज विद द मार्केटर एज वेल. तो ये क्या करते हैं, देखते हैं कि आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, वांट सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है आपकी, फिर इंक्रीज दी प्रॉफिट. अब इससे होता क्या है, अलग अलग कस्टमर क्योंकि अलग अलग प्राइस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, हम कह सकते हैं प्राइस के बेसिस पे. तो अगर हम बात करें, आप देखिए होता है ना कि आपका आईफोन आया तो एक पर्टिकुलर टाइम पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उसके बाद में प्राइसेस लो कर देते हैं. तो इन्होंने क्या किया है, आप एक तरीके से ये देख लीजिए कि सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो 50,000 की उसमें तक आते हैं और कुछ फ़ोन्स आपके ऐसे हैं जो 15,000 तक आते हैं. वाई आर दे डूइंग इट, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. भाई जो कस्टमर्स इनके 50,000 के आसपास तक के फ़ोन को अफोर्ड कर सकते हैं उनको इसमें ऑफर कर रहे हैं, कुछ फीचर्स घटा के या चेंजेस करके
करके इनको 15 में ऑफर कर रहे हैं. सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, जो जितनी जिसकी कैपेसिटी है. उसके बाद में अगर हम बात करें इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन के बारे में, बात करते हैं इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन. भाई जितना हम केपेबल हैं कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाना, उसी की तरीके से हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अपने मार्केट को सेगमेंट करने की कोशिश करेंगे. हो सकता है मेरे प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएशन है, हम अलग अलग तरीके से हो सकता है हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, और अलग अलग प्रोडक्ट को जो है हम अलग अलग कैटेगरी ऑफ बायर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हम कह सकते हैं प्रोमिनेंट रीज़न कि हम जो है अपना मार्केट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं. अब रिक्वायरमेंट क्यों है जो है बहुत ज़्यादा मार्केट सेगमेंटेशन की, हम कह सकते हैं अच्छे मार्केट सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है एक पर्टिकुलर कंपनी की. तो सबसे पहली चीज़ तो यार बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट होगा. अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आप कभी भी उसकी नीड्स को केटर नहीं कर पाएंगे. तो आप जब उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, आपको पता रहेगा एक पर्टिकुलर सेगमेंट की नीड क्या है, आइडेंटिफाइबल रहेगा, वो मेजरेबल रहेगा कि भाई इसका साइज क्या है, परचेजिंग पावर क्या है लोगों की, आप क्या उसको बहुत अच्छे से सर्व कर पाएंगे. फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो इससे सेल्स आप एक्सेस कर पाएंगे इस मार्केट को, भाई इस पर्टिकुलर मार्केट तक आप रीच कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लगा पाएंगे, दिस इज क्वाइट पॉसिबल. तो अच्छा हम कह सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन इज वेरी जो है आपका नेसेसरी ड्यूरेबल. नाउ जो सेगमेंट है वो आपका कैसा होना चाहिए, हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करे. भाई ऐसा ना हो कि हमने सेगमेंटेशन गलत कर दिया है तो जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज़ कर दे. तो हम लोग जो ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं, सो इससे अच्छी ग्रुपिंग अगर आप करेंगे, सो व्हाट हैपेंस, ओके सो व्हाट हैपेंस अच्छे सेगमेंटेशन की वजह से कि आपके प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो इंक्रीज़ करते हैं. अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेगमेंटेशन करने के. एक तो हम लोग ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि भाई हमने जो है जेएनके वालों को अलग कर दिया, साउथ को अलग कर दिया, नॉर्थ को अलग कर दिया, सेंट्रल को अलग कर दिया. एक तो हो गया डेमोग्राफिक की वजह से, एक तो हमने ऐसे कर दिया कि भाई ये फीमेल्स हैं 18 से 24 की, इनके लिए अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, इनकी अलग टाइप की नीड्स होती हैं, ये जो बच्चे हैं इनकी अलग टाइप की नीड्स होती हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर जो सेगमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. उसके बाद में अगर हम बात करें, एक हो गया मेरा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, भाई एटीट्यूड की उसके बेसिस से, या हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ओपिनियन वगैरह उसके बेसिस पे अगर हम आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर हो गया आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन, भाई ओकेजन होता है ना ऐसा कि हम कह सकते हैं पार्टी वाला ओकेजन है आपका, तो उस तरीके से आप लोग फिर जो है प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश करते हैं. जब हम लोग ओकेजन की उस पे, भाई शादी का सीजन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं उस तरीके से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इसके बेसिस पे अगर हम कह सकते हैं सेगमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो बहुत सारे तरीके हैं हम कह सकते हैं मार्केट को सेगमेंट करने के. नाउ अगर हम बात करें मार्केट टारगेटिंग की, तो अब कस्टमर ने क्या किया, सॉरी अब एक जो मैन्युफैक्चरर था उसने क्या किया, मार्केट को ब्रेक डाउन कर दिया. ब्रेक डाउन करने का मतलब मार्केट को उसने हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब हो सकता है उसने मार्केट को हिस्सों में डिवाइड किया, ये है मेरे किड्स का मार्केट. अब यहाँ पे वो क्या करेगा, ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाएगा. अब देखिए किड्स के जो एडवर्टिजमेंट्स आते हैं टीवी के ऊपर, आपने एडवर्टिजमेंट्स मेरे ख्याल से देखे होंगे, जो बच्चों के एड्स आते हैं दीज आर वेरी कलरफुल, वेरी अट्रैक्टिव, थोड़े से अलग टाइप के आते हैं, जहाँ पे वो सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग रहती है, उनके तरीके से आप देखिए उनके एड्स अलग तरीके से रहते हैं. तो यहाँ पे अगर आप बात देखिए, आप क्या कर रहे हैं, मार्केट को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. आप क्या करने की कोशिश करेंगे, हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे. ये जो मैंने सेगमेंट किया, अब इन सेगमेंट्स को क्या कर रहे हैं, हम टारगेट करेंगे. तो कंपनी कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकती है सारे के सारे सेगमेंट्स के ऊपर. कंपनी सेटिस्फाई कर सकती है केवल अपने लिमिटेड हम कह सकते हैं सेगमेंट्स के ऊपर. तो यहाँ पर सेगमेंट्स जो कंपनी सर्व करना चाहती है, ये मेरे क्या हो गए, टारगेट मार्केट. जॉनसन एंड जॉनसन की अगर आप बात देखिए, तो इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं बेबी वाले, तो क्या ये इस मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं इसी के तरीके से. सो दिस इज व्हाट फर्स्ट क्राई एग्जैक्टली. तो यहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग इज कि भाई हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, सबको हम नहीं टारगेट कर सकते, तो हमें किसको टारगेट करना है, हमें जिसको भी टारगेट करना है, जो भी मेरा मार्केट सेगमेंट है जिसको मुझे स्पेशलाइज करना है, जिसको मुझे टारगेट करना है, ये मेरा क्या हो गया, ये प्रोसेस मेरी क्या हो गई, मार्केट टारगेटिंग करना. अब देखिए प्रोसीजर क्या है टारगेटिंग करने का. सबसे पहले तो मैंने सेगमेंट बना दिया. अब मैं ये देखूंगी कि कौन सा सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है मेरे लिए.
कितना अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन द सेंस कि कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो मुझे सेल्स डिराइव कर सकता है, कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो मुझे प्रॉफिट डिराइव कर सकता है, इसी तरीके से मेरे पास रिसोर्सेज कितनी है उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगी, अपने सेगमेंट्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद में मैंने क्या किया, सेगमेंट को सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये मारा मुझे सेगमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। सो जब हमने इवैल्यूएट कर लिया, मुझे पता चल जाएगा ना कि किस सेगमेंट के अंदर मुझे एंटर करना है, कौन सा सेगमेंट के अंदर हम कह सकते हैं सेल्स होगी, प्रॉफिट होगा मेरा और मैं उसको टारगेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो उसके बाद में मैंने अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करी, क्या मैं इस पूरे सेगमेंट को एक सिंगल स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, क्या मैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश करूंगी, जैसे नाइकी ने किया है आपका स्पेशलाइजेशन जॉगिंग शूज और ये शूज वो शूज आपका, क्या मैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश करूंगी, क्या मैं मार्केट स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश करूंगी, या मैं पूरे मार्केट को कवर अप करने की कोशिश करूंगी जैसे जियो ने किया, पूरे के पूरे मार्केट को कवर अप करने की कोशिश करी। तो पहले हमने क्या किया, सेगमेंटेशन किया, उसके बेसिस पे टारगेट बनाया कि मेरा टारगेट मार्केट क्या है, एंड देन वी सेलेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, अपने मार्केट में पोजीशनिंग करने की कोशिश करेंगे। क्या पोजीशनिंग करने का मतलब होता है कि दिमाग में बैठालना प्रोडक्ट को कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर के माइंड में होना चाहिए। आपने मान्यवर का एड देखा होगा मेरे ख्याल से, अभी लेटेस्ट में क्या शादियां का सीज़न आता है और बॉयज़ को, मेनली बॉयज़ की बात करूँगी बिकॉज वो विराट कोहली ने कुछ ज़्यादा ऐड किया है। सो व्हाट हैपेंस कि आपको अगर वो शेरवानी या इस टाइप का कुछ लेना है, कोई ऐसा आउटफिट, तो क्या मान्यवर की याद आती है तुरंत, एकदम से ऐसे मान्यवर दिमाग में आ जाता है। सो व्हाट हैव दे डन, क्या उन्होंने पोजीशन कर दिया आपके दिमाग में उसी तरीके से। नाउ दिस इज़ द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग अ कंपनीज ऑफरिंग एन इमेज occupy a distinctive place in the target market's mind. Now the act of creating a difference between a company's offer from those of the competitors. अब क्या ऐसा है कि केवल इनके पास में शेरवानी अनॉन मिलती है, बहुत सारी जगह पर है, बट इन्होंने इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई अपनी कि ये हमारे माइंड में पोजिशन कर गए हैं, अब इन्होंने एक सुपीरियर पोजिशन हमारे माइंड में जो है बना दी है मार्केटिंग बैटल के थ्रू, राइट। दिस इज़ वॉट हैपन्स आपका। तो मार्केट पोजिशन की अगर हम बात करें, तो मार्केट पोजिशन के अंदर बहुत सारी तरीके से हम लोग पोजिशन करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ऐड कि दिस पीटर इंग्लैंड का शायद ऐड आता है सिंस 1871। सो वट आर दे ट्राइंग टू टेल यू कि भाई हम यहाँ पर बहुत पहले से बैठे हुए हैं, तो डिफरेंस आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत पहले से हैं बैठे हुए, या इतने बायर्स को हमने केटर करके रखा है। आपने बहुत सारी कोचिंग देखी होंगी इंडियन नेट की, वट दे से कि हमने 2009+ सेलेक्शंस मिले हैं हमको। सो दे आर एक्चुअली आपके माइंड में पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिस्टिंक्टिव आपको हम कह सकते हैं डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत सारा कुछ अलग कि हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, प्रॉफिटेबल, बहुत सारी तरीके से पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक तो इस तरीके से हो गया, क्वालिटी की तरीके से हो सकता है हम बोलेंगे कि हम भैया बेस्ट वैल्यू कर रहे हैं आपको। उसके बाद में हो सकता है कि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा बीच में बहुत बैटल चल रही थी आपकी टाइड की एंड सर्वेक्सल की, आई बिलीव, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काउंटर करने की कोशिश करते थे। ये एक बताता था कि हम उससे बेटर हैं, वो बताता था हम उससे बेटर हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर पोजिशनिंग हो गई। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके कस्टमर के माइंड में बैठने के, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में सबसे सुपीरियर बैठा देना कि ये कस्टमर अगर वो प्रोडक्ट लेने की सोचे ना, तो उसके दिमाग में केवल और केवल आपके ब्रांड का नाम आए। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पोजिशनिंग करना। क्लियर है सबको? देखो, as companies increase their number of claims for their brands, they risk disbelief and loss of clear positioning. जो companies हैं must avoid four major positioning errors. अब चार positioning errors हैं मेरे पास में, भाई ये चीज़ नहीं करना है। एक तो under positioning, when buyers have only a vague idea of the brand. The brand is seen as just another entry in crowded marketplace. Example, जब Pepsi introduced its clear crystal Pepsi in 1993, customers were distinctively unimpressed. They didn't see clarity as an important benefit of a soft drink.
तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप अंडर पोजिशन कर दें। अंडर पोजिशन करने का मतलब ऐसा ना हो कि आप कस्टमर को इस तरीके से अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसको लग रहा है हाँ इनका तो पहले से हरा था, कुछ नया ही नहीं किया इन्होंने। अंडर पोजिशनिंग मत करिए कि वो कस्टमर अनइम्प्रेस हो जाए, या ओवर पोजिशनिंग भी मत कर दीजिए। ओवर पोजिशनिंग का मतलब बायर्स हैव टू नैरो इमेज ऑफ अ ब्रांड, दीज माइट थिंक दैट सूट्स एट सन हेनरीज स्टार्ट एट 15,000 When it's fact affordable suits, मतलब आपने इतना तगड़ा पोजिशन कर दिया है उनके दिमाग में। अच्छा क्या होता है ऐसा मान्यवर के बारे में, जो लोग विजिट नहीं किए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपको क्या लगता होगा कि यार ये बहुत महंगा होगा क्योंकि विराट कोहली ऐड कर रहा है, इतना ऐड कर रहा है, तो क्या दिस इज़ पॉसिबल कि ये जो मिडिल क्लास या थोड़ा सा नीचे वाली कैटेगरी है कभी सोचेंगे ही नहीं वहाँ जाने की? होता है, हम कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ब्रांड में जाने का नहीं सोचते, हमको ये लगता है कि यार बहुत महंगा होगा, यहाँ पे क्या करना जाके टाइम भी बर्बाद हो जाएगा हमारा, तो दिस इज ओवर पोजिशनिंग। तो एक कंपनी को अंडर पोजिशन भी नहीं करना चाहिए, ओवर पोजिशन भी नहीं करना चाहिए भाई, एकदम एग्जैक्ट आप बैठाइए माइंड में ताकि हर टाइप का कस्टमर आपके पास में आ सके। फिर एक हो गई मेरे पास में कन्फ्यूज्ड पोजिशनिंग। कन्फ्यूज्ड पोजिशनिंग क्या हो गई, बायर्स जो है उनके पास में कन्फ्यूज्ड इमेज है, उनको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। आपने इतने सारे क्लेम्स बैठा दिए कि उनको क्या लग रहा है कि ये फालतू बोल रहे हैं, इतना कहाँ हो जाएगा, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आप कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग नहीं करिए, आप डाउटफुल पोजीशनिंग मत करिए। मतलब ऐसे पता चल रहा है इतने ज़्यादा आपने क्लेम कर दिए कि आपने क्या क्लेम किए कि हमारी क्रीम से जो है 4 टोन तक फेयर स्किन हो जाएगी, तो पता चल रहा है जिसकी स्किन जो है वो डार्क है वो भी सोच रहा है कि यार हो तो नहीं सकती। सो दिस इज व्हाट डाउटफुल पोजीशनिंग, वो आपका प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचेगा ही नहीं, पता चल रहा बोल रहा है यार ये तो साफ साफ फर्जी लग रहा है। तो इस तरीके से पोजीशन मत करिए कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचे ही ना। तो 4 एरर्स हैं पोजीशनिंग के, कौन कौन से, एक तो अंडर पोजीशनिंग, ओवर पोजीशनिंग, कन्फ्यूज पोजीशनिंग एंड हमारे पास में डाउटफुल पोजीशनिंग। नेक्स्ट आएंगे प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग, सो प्रोडक्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्ट रिलेट करता है डिसीजंस, वन ऑफ द 4 मार्केटिंग पीस का, आपका मार्केटिंग मिक्स के पीस के अंदर यहाँ पे डिसीजंस क्या क्या लेते हैं हम लोग, नए प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, एलिमिनेशन से रिलेटेड, अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है तो हम लोग को अपनी प्रोडक्ट लाइन से उसको हटा देना है, पैकेजिंग से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड, ये सारे के सारे डिसीजंस यहाँ पे हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। अब जो मेरा प्रोडक्ट है, व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट, बंडल ऑफ बेनिफिट्स, सेटिस्फैक्शन, जो हम लोग किसको ऑफर कर रहे हैं भाई, कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, हम लोग यही बोलते हैं ना बंडल ऑफ बेनिफिट्स है मेरा। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट अ प्रोडक्ट इज रियली अ बंडल ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफर्ड टू अ परचेजर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हम लोग प्रोडक्ट है मेरा वो क्या है, इट शुड डिफर फ्रॉम सर्टेन प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे टूथपेस्ट की आप बात करिए, नाउ दीज आर ऑफर्ड बाई डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, वेयर इट इज़ नॉट फॉर द ट्यूब एंड ब्रांडिंग, कस्टमर जो है डिस्टिंग्विश करना चाहिए क्या होता है वो नमक वाला, ताज़ा सांसी एंड ऑल्सो वट आर दे एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू, अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो टूथपेस्ट है इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांड। ओके, प्रोडक्ट पोजीशनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को ताज़ा सांसें सही चाहिए अगर, तो क्या आपके दिमाग में क्लोजअप का ही ऐड आता है ना, या अगर आपको मजबूत दांत चाहिए तो आपके दिमाग में बबूल या डाबल, लाल दंत मंजन, इस टाइप के ऐड आपके दिमाग में आते होंगे। सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट को पोजिशन कर रहे हैं वो हमारे दिमाग के अंदर। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो भाई मेरे पास में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो हम लोग अल्टीमेट प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं, सो दिस इज व्हाट कन्वीनियंस गुड है, शॉपिंग गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, आपके एक एक करके कवर अप करने की कोशिश करेंगे इनको। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से हो गए, जो मशीनरीज वगैरह हैं जो इंडस्ट्रीज को गुड्स प्रोवाइड होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया आपका, हमारे पास में मशीनरीज हो गई, जो टेक्निकल नोहा वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं जो हम लोग इंडस्ट्रीज को ऑफर करते हैं, तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए। बाकी सारे प्रोडक्ट जो हमें ऑफर किए जाते हैं, दैट इज मेरा जो कौन सा प्रोडक्ट, दैट इज मेरा ओके दैट इज़ मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं मेरे पास में, कन्वीनियंस गुड। कन्वीनियंस गुड्स कौन से, जो हम एज़ पर अपनी कन्वीनियंस परचेज करते हैं, ब्रेड, बटर, मिल्क वगैरह, भाई जो आसपास मिला उठा करके लेके आ गए मेरे पास में हम प्रोडक्ट्स। उसके बाद में कौन से गुड्स हो गए मेरे पास में, एक हो गए मेरे पास में शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स ये है जो हमारे कपड़े और ये सारा कुछ, 10 चीज़ें देखते हैं, 10 ब्रांड्स देखेंगे, प्राइस टैग्स देखेंगे, पहन के देखेंगे, ट्रायल रूम के अंदर पिक्चर क्लिक करके देखेंगे, कौन से गुड्स हो गए
स्टॉपिंग गुड्स हो गए हमारे पास में, 10 चीज़ें देखते हैं, ड्यूरेबल गुड्स हमारे, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या हम कह सकते हैं सोफ़ा और ये सारा, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स आपके, बाकी सारे जितने बचे वो आपके नॉन ड्यूरेबल हो गए। अब चलिए प्रोडक्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। प्रोडक्ट लाइन क्या है? अब जो कस्टमर को हम ऑर्डर ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, एक कंपनी जो ऑफर कर रही है, नाउ इट इज़ दी पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी टू डिटरमाइन करना कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई सिंगल प्रोडक्ट लेके आएगी या ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आएगी। अब प्रोडक्ट लाइन की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट लाइन क्या है? जो हमारे पास में क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उषा लाइन ऑफ फैंस, सुना होगा मेरे ख्याल से अलग अलग टाइप के फैंस आ रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट देयर प्रोडक्ट लाइन। उसके बाद में अगर हम बात करें लैक्मे लाइन ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो इससे रिलेटेड भाई लैक्मे के क्या क्या आते हैं, वो मस्कारा एंड फाउंडेशन एंड व्हाटएवर इट इज़, सो दिस इज़ व्हाट देयर प्रोडक्ट लाइन। सो इन केस प्रोडक्ट लाइन वी ऑफर अ प्रोडक्ट मैनेजर, और प्रोडक्ट लाइन मैनेजर इज़ अपॉइंटेड जो लुक आफ्टर करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के बारे में। प्रोडक्ट लाइन की अगर हम बात करें तो हो सकती है लॉन्ग लाइन हो सकती है, शॉर्ट लाइन हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने हम प्रोडक्ट्स जो है इनको ऑफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग, मेरे ख्याल से इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबको, तो प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट मिक्स क्या है? जितनी नंबर ऑफ लाइन हमारे पास में अवेलेबल है, तो ये मेरा इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट मिक्स हो गया। अब अगर हम बात करें कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइन जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफर करने की कोशिश करती है, प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम बात करें तो चार डायमेंशन हैं हमारे पास में। पहला है प्रोडक्ट विथ, आपने HUL का नाम सुना होगा मेरे पास, मेरे ख्याल से पर्सनल वॉश, लॉन्ड्री, स्किन केयर भी आता है इनका, हेयर केयर भी आता है इनका, ओरल केयर भी आता है इनका, डिओड्रेंट भी आ रहा है इनका, टी भी आ रहा है इनका, कॉफ़ी भी आ रहा है, सो दिस इज़ वॉट नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है वो क्या है मेरे पास में, प्रोडक्ट विद, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग। देखिए यार HUL वाले बेचारे कितना ऑफर कर रहे हैं, अरे तुम लोगों को उनके प्रोडक्ट विद देखो तुम लोग। अब देखो अगला देखेंगे लेंथ, लेंथ की क्या बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या आइटम्स जो आपके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर है, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास में है। जैसे अगर हम अगेन हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यहाँ पे इनके अंदर 23 आइटम्स हैं इनके पास में, 23 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कहें, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आपका लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। डेप्थ की अगर हम बात करें तो क्लोजअप की अगर आप बात करें तो क्लोजअप तीन वेरियंट्स के अंदर आता है, एक वो छोटू वाला जैसे देखिए 10 रुपये वाला आता है, थोड़ा बड़ा वाला 50 ग्राम्स का या 100 ग्राम्स का, इस तरीके से। तो तीन जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑफर हो रहा है तो तीन साइजेस के अंदर मान लीजिए ऑफर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम कह दें तो इनकी डेप्थ उस तरीके से, यानी एक एक प्रोडक्ट को आप कितनी कितनी वेरिएंट्स के अंदर लेके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए तीन फॉर्मेशंस के अंदर लेके आ रहे हैं और तीन साइजेस के अंदर लेके आ रहे हैं। क्लोजअप के भी आप देखिए शायद वो एक रेड वाला आता है, एक वो ब्लू वाला आता है, ऐसा करके आता है, तो तीन वेरिएंट्स तीन साइजेस में आ रहा है, तो इनकी प्रोडक्ट डेप्थ कितनी हो गई इसका मल्टीप्लीकेशन। कंसिस्टेंसी की आप बात करिए, कंसिस्टेंसी क्या है हमारे पास कि हम, इट रिफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट लाइन्स हैं हमारी इन यूज, भाई हमारा ये जो है कितना कंसिस्टेंट है भाई, कितना क्लोजली रिलेटेड है। नेक्स्ट आएंगे प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड डिसीजंस कैसे लेते हैं। एक कंपनी है भाई, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड डिसीजंस लेगी। प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड डिसीजंस का मतलब यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश करेगी, कंपेयर करने की कोशिश करेगी अपनी प्रोडक्ट लाइन को अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट लाइन से। मार्केटिंग मैनेजर्स जो है ऑप्टिमम लेंथ डिसाइड करेंगे कि क्या इसके अंदर कोई प्रोडक्ट हमें ऐड करना है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सही काम नहीं कर रहा है, उसको क्या हमें ड्रॉप डाउन करना है, क्या हमें लाइन को स्ट्रेच करना है, अपवर्ड स्ट्रेच करना है या नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है हमको, क्या हमें बीच में कोई प्रोडक्ट को ऑफर करना है, क्या हमें कोई गैप है बीच में। गैप का मतलब मान लीजिए हम फाउंडेशन भी ऑफर कर रहे थे और हम सब कुछ ऑफर कर रहे थे और हमने हो सकता है यहाँ पे वो दाग धब्बे छुपाने के लिए क्या होता है कंसीलर होता है ना, आई बिलीव वो नहीं ऑफर कर रहे थे, तो इन्होंने लाइन को क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, सो दिस इज़ व्हाट आपका लाइन फिलिंग इज। अब आएंगे हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर, यहाँ तक मेरे को बताएंगे स्किन केयर, ओरल केयर, डिओड्रेंट्स, टी, कॉफ़ी, ये दिस इज़ आपका प्रोडक्ट विद। ओके जल्दी से मेरे को लिख के बताओ कि क्रिस्टल क्लियर है सारा कुछ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
एंड जिसने भी सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है ना, जल्दी से लाइक कर दो। ओके, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो चार स्टेजेस हैं मेनली हमारे पास में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। कौन कौन सी वो चार स्टेजेस हैं ये देखिए भाई। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऑफ़र करने की कोशिश करते हैं मार्केट में। जब ऑफ़र करते हैं यानी हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज। अब यहाँ पे देखिए अवेयरनेस बटानी है। पहले तो कस्टमर को पता ही नहीं है ऐसे तरीके का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब क्या है, पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, अब यहाँ पे सेल्स आपकी होगी नहीं, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, आपकी लॉसेज आएंगे क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में। प्रमोशन स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज। इसके बाद में आप देखिए यहाँ से आपका टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ हुआ, यहाँ पे लैंडिंग हो जाएगी आपकी। सो दिस इज़ आपका टेक ऑफ वाली स्टेज। तो दिस इज़ आपकी ग्रोथ स्टेज। अब यहाँ पे आप देखिए सेल्स आपके रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, प्रॉफिट आपके इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी फॉल करती जाएगी धीरे धीरे करके क्योंकि अभी आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा शेकआउट हुआ, अब इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। ये आपकी कौन सी स्टेज, हम जिसको कह सकते हैं सैचुरेशन या मैच्योरिटी वाली स्टेज। अब यहाँ पे आपकी सेल्स जो है पीक पर रहेंगी, इंक्रीज कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन बहुत स्लोली इंक्रीज करेंगी। यहाँ पे कस्टमर की जो कॉस्ट है, जिसको हम बोले कॉस्ट पर कस्टमर, ये आपकी लोएस्ट रहेगी, प्रॉफिट आपकी हाईएस्ट रहते हैं। इसी स्टेज के अंदर कंपनी चाहती है वो इस स्टेज के अंदर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स तक रह सकें रहे। जैसे कैडबरी की आप बात करिए, डेयरी मिल्क इतने सालों से मैच्योरिटी स्टेज के अंदर है, अभी तक डिक्लाइन नहीं हुआ उसका। डेयरी मिल्क का एक अलग है, वो इतने सारे वेरियंट्स लेके आ जाते हैं ना उसके, हर बार आप देखिए पता नहीं कौन कौन से हर एक चीज़ तो उन्होंने डाल दिया है अपनी कैडबरी डेयरी मिल्क के अंदर। सो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाती है आपकी, डिक्लाइन वाली स्टेज। डिक्लाइन में क्या होता है, सेल्स फॉल करने लग गई है। इस टाइम पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं मार्केट से। अब आ जाता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, जब हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास में, आइडिया जनरेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट करेगा पहले कॉन्सेप्ट के साथ में। अब रेस्ट ऑफ द प्रोसेस तो भाई बाद में आएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, उस आइडिया का स्वॉट एनालिसिस, उस आइडिया की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे हम कि भाई करंट मार्केट ट्रेंड में बैठेगी कि नहीं बैठेगी, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे, क्या हम क्या कर सकते हैं इससे, क्या नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, इसको आइडिया को स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे। भाई स्क्रीनिंग करने का मतलब हम सारे आइडियाज़ देखने की कोशिश करें हैं, देन वी आर जो है हटाने की कोशिश करेंगे अनसूटेबल आइडियाज़ को। भाई जो आइडियाज़ एक कंपनी को रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं उन आइडियाज़ को हटा देंगे। उसके बाद में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और छोटे से कस्टमर्स को लेकर के थोड़े कस्टमर्स को एक ग्रुप बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उनको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आइडिया को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उनका रिएक्शन हम देखेंगे कि भाई क्या है। उसके बाद में बिजनेस एनालिसिस करेंगे। जैसे हमने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया, कॉन्सेप्ट को हमने टेस्ट कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, अब जो बिजनेस है वो नीड्स टू पुट टुगेदर टू एसेस वेदर जो नया प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे अपना सारा कुछ। भाई प्रोडक्ट आइडिया सही था, टेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गई, बिजनेस एनालिसिस किया, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना क्या नहीं हो सकता है, देन वॉट विल ट्राई टू डू इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। नाउ इफ द न्यू प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड इट विल बी पास्ड टू द टेक्निकल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट स्टेज। तो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट अभी डेवलप हो गया तो अब हम लोग कहाँ पे पास डाउन करेंगे, इसको मार्केटिंग डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर पास डाउन करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी हमारे पास में टेस्ट मार्केटिंग। सो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और कंज्यूमर टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को, फॉलो करेंगे प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान को एज अ होल, इंडिविजुअल के तरीके से नहीं, एज अ होल यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। देन कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन का मतलब अब हमने क्या किया, फाइनल डिसीजन ले लिया है कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, मार्केटिंग प्लान्स फाइनलाइज्ड हैं, सेल्स टीम्स सारा कुछ मेरा डिसाइडेड है, फिर क्या कर देंगे प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। सो दीज आर दी फ्यू स्टेजेस। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग प्राइसिंग डिसीजंस की तरफ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, हमने ये देख लिया प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, पोजिशन कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, प्राइसिंग डिसीजंस। किस प्राइस पे
किस प्राइस पे हम लोग प्रोडक्ट को ऑफर करने की कोशिश करेंगे. वट एवर क्वेश्चन आर नॉट रिलेटेड विद द टॉपिक आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सेशन के एंड में आप पूछ लीजिएगा एडमिट कार्ड कब आएगा. ये सारे क्वेश्चन आई आंसर टूवर्ड्स द एंड. प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब द सेशन, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब द फ्लो. टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे. प्राइसिंग डिसीजंस कवर अप करने की कोशिश करेंगे. ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू सेट द प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट. नाउ सेटिंग द प्राइस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन. भाई किस प्राइस पे मुझे अपना प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करना है. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम कस्टमर के बारे में सोच सकते हैं. कस्टमर के बारे में यानी उसके पास में कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, वो क्या प्राइस जो है वो ऑफर कर सकता है या हम कह सकते हैं अफोर्ड कर सकता है, ये सारी चीज़. उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे कस्टमर की जो स्ट्रैटेजी है या हम कह सकते हैं कस्टमर की जो बाइंग हैबिट है उसको चेंज कर, यानी किस प्राइस पे वो रेडी है मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. फिर मेरा कॉम्पिटिटर यानी कि जिस प्रोडक्ट को मैं ऑफर करने की बात कर रही हूँ उसका जो कॉम्पिटिटर है, चाहे वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो चाहे वो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो, वो किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे. नाउ फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक कंपनी की प्राइसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे. एक तो हो गए मेरे इंटरनल फैक्टर्स, भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी हम कह सकते हैं जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, ये डिसाइड करेंगे कि भाई किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमें अपनानी है, एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में मार्केटिंग मिक्स के, भाई प्रमोशन कितना हमने किया है, प्रोडक्ट मेरा कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा अपना रहे हैं, क्या ये फैक्टर्स मेरे इफेक्ट करेंगे मेरे प्राइसिंग डिसीजंस के ऊपर. डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मेरा प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है, डिग्री कितना है डिफरेंशिएशन का अगेंस्ट दूसरे प्रोडक्ट्स जो मेरे कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं. अगर मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ना तो हम प्राइसिंग भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं रख सकते अगर वी आर ऑफरिंग दी सेम प्रोडक्ट. नेक्स्ट कॉस्ट कितनी लगी है, भाई मेरे कॉस्ट कितनी लगी है, मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है उसके बेसिस पे वील डिसाइड दी प्राइसिंग विच एवर विल बी वट एवर प्राइस विल बी ऑफरिंग टू दी कस्टमर्स. ना ऑब्जेक्टिव क्या है मेरी कंपनी का, क्या मुझे लॉन्ग टर्म कमाना है या मुझे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी प्राइसिंग सेट करने की कोशिश करूँगी. स्टेज क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, यार कैडबरी की सिल्क आती है डायरेक्टली 150 rupees 100 rupees का ये लोग प्राइस ऑफर करते हैं. वाई सो, क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है पीएलसी के अंदर, इनकी जो स्टेज है दैट इज मैच्योरिटी, दैट इज आपका स्टार्टिंग वाली जो हम कह सकते हैं सैचुरेशन वाली स्टेज है. अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग की स्टेज में है, इंट्रोडक्शन पे है ना, वो इतना जल्दी इतना हाई प्राइसेस के ऊपर ऑफर ही नहीं करेगी प्रोडक्ट को. तो स्टेज क्या है आपकी पीएलसी की, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर. प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, जब मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई रहती है तो हम लोग ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को ऑफर करने की कोशिश करते हैं एंड वाइसी वर्सा. मेरी ब्रांड इमेज क्या है, रेप्यूटेशन क्या है, एप्पल की आप देखिए डायरेक्टली 1-1 lakh rupees का फोन लॉन्च करते हैं, वाई ब्रांड इमेज उनकी. कैटेगरी मेरे प्रोडक्ट की क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना तो हम बहुत हाई प्राइस पे लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि कल को खराब हो जाएगा वो, सो वील बी ऑफरिंग इट एट अ वेरी लो प्राइस. फैशनेबल प्रोडक्ट है, कल को खराब हो जाएगा, रेंज में नहीं रहेगा तो कौन खरीदने वाला है. तो किस तरीके का मेरा प्रोडक्ट है, दिस विल अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मेरा जो कंपनी है उसका मार्केट शेयर कितना है, अगर हमारी मोनोपोली है तो यार जैसे रेलवे है कितना भी प्राइस चार्ज करें हम टिकट खरीदेंगे ही खरीदेंगे ना. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं, डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट की, डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंगली रखिए प्रोडक्ट का प्राइस. कॉम्पिटिशन कितना है, अगर कॉम्पिटिशन नहीं है तो आप जितना भी चाहिए प्राइस रखिए, नो इशूज़ विद दैट. अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, आपने प्राइसेस थोड़ी भी ऊपर नीचे करी, आप पूरा का पूरा मार्केट से ही गायब हो जाएंगे. रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, बायर का बिहेवियर क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपकी कंपनी को लेकर के, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एथिकल कंसिडरेशन क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल वैल्यूज क्या है, कि आप किसी ऐसे एरिया के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे जो है एथिकल, वहां पे हम कह सकते हैं एथिकल कंसिडरेशन क्या है, क्या आपकी कंपनी उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है या नहीं. जैसे आपने वो एड देखा होगा यार निहार शांति आंवला का, सो व्हाट दे आर डूइंग, उनकी प्राइसेस हाई है बट उन्होंने किस तरीके से यहां पे पोजीशन करने की कोशिश करी है कि उनका विकास का जो एक हिस्सा है आपके उसका बच्चों की पढ़ाई की तरफ जा रहा है फलाना ढिमाका. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी को इफेक्ट कर रहा है उनकी, कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से प्रोडक्ट को अपना पोजीशन कर दिया है. सीजनल इफेक्ट, क्या सीजनल डिमांड फ्लक्चुएशंस होती हैं, अभी अगर आप कहीं पे जा करके जो है कपड़े या ऐसा कुछ खरीदने की कोशिश करिए जैसे एसी हो गया फ्रिज हो गया तो आपको बहुत कम प्राइसेस पे मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि गर्मियां अभी जाने का सीजन आ गया है. तो
सीजनल इफेक्ट, तो इसकी वजह से मेरी प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं प्राइसिंग के मेरे, तो एक तो हो गए मेरे प्राइसिंग सॉरी प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, तो या तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं उसके बेसिस पे हम अपनी प्राइसिंग, या तो हम सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, या तो हम कंपटीशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, या तो हम कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं या अपने कंपटीशन को अलग रखना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइस रख देंगे हम, या तो हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स को हटाना चाहते हैं मार्केट से, जैसे जियो ने किया भाई, फ्री में ही लेके आ गए प्लान के। यहाँ पे एक हो गए मेरे कस्टमर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, या तो हम कस्टमर का भरोसा जीतना चाहते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो अलग अलग हम कह सकते हैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, अलग अलग मेरे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं अपनी प्राइसिंग डिसीजन जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट, अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं क्या क्या, एक तो हो गया प्राइस इन लाइन, यानी जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पे आप भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए। एक तो मार्केट प्लस हो गया, यानी जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है ना उससे ऊपर आप लॉन्च कर दीजिए, कस्टमर को क्या लगेगा भाई महंगा प्रोडक्ट है ना, अच्छा प्रोडक्ट होगा। एक तो हो गया मार्केट माइनस, जैसे पतंजलि ने किया, जो भी मार्केट प्राइस था उससे इन्होंने कम प्रोडक्ट पे कम प्राइस पे प्रोडक्ट को अपने लॉन्च किया, एंड व्हाट डिड दे से कि यार ये बाहर की कंपनियां हैं हमें लूटने वाली हैं, ये करने वाली हैं वो करने वाली हैं, दिस इज हाउ देयर पोजिशनिंग वॉज इन स्टार्टिंग। हालांकि अब उनके प्राइसेज और ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, बट स्टिल स्टार्टिंग में उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यही थी, वन प्राइस पॉलिसी। यहाँ पे अगर हम हर एक कस्टमर को सेम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहते हैं, वेरिएबल प्राइसिंग, यानी हम हो सकता है कह रहे हैं कि आप एक प्रोडक्ट लेंगे तो हम इस प्राइस पे देंगे, दो लेंगे तो हम यहाँ पे आपको दूसरे प्राइस के ऊपर, यानी हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्राइस आपका कम कर देंगे, वेरिएबल प्राइसिंग हो रही है, या अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं। अगर हम कह सकते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग आईफोन जैसे करता है, या जितनी भी हमारी हम कह सकते हैं टेलीफोन वाली कंपनी, सेल फोन वाली सॉरी, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब जब हम लोग सबसे पहले हायर प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं और जैसे जैसे हायर प्राइसेस हमारी पे हो जा रही हैं उसके बाद में हम इवेंचुअली अपनी प्राइसेस जो है वो कट डाउन कर दे रहे हैं, तो दिस इज स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जैसे पतंजलि ने किया, व्हाट दे डिड इज कि सबसे पहले प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम रखी जियो ने, आपकी पतंजलि ने, और जैसे जैसे मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया, प्राइसिंग उन्होंने धीरे 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 करके अपनी बढ़ा दी। एट प्रेजेंट आप देखिए जियो के प्लान और इनके प्लान आपके बराबर हो गए हैं, सो वाई पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अब इन्होंने प्राइसिंग अपनी बढ़ा दिया। प्रीमियम प्राइसिंग, जब हमको अपने दिमाग में कस्टमर के दिमाग में इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बैठालना है कि भाई ये जो है एलाइट क्लास का प्रोडक्ट है, ऑडी मर्सिडीज हो गया, तो यहाँ पे ये प्राइसेस हमेशा जो है अपने राइवल से ज़्यादा रखते हैं। इकोनॉमी प्राइसिंग, जब हमें ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करना है जो लो इनकम ग्रुप्स हैं तो प्राइसेस कम रखेंगे। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जैसे रखते हैं ना वो 499, 799 इस तरीके से, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है पहले वाले इसके ऊपर, तो एक तो ये हो गई मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग आपकी, कैप्टिव प्रोडक्ट का मतलब वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो कैप्टिव प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करती है, फॉर एग्जांपल इंक फॉर प्रिंटर। अब यहाँ पे प्रिंटर तो बहुत सस्ता सस्ता बेच देते हैं, प्रिंटर का आप देखिए 3,000-4,000 का बेच देंगे और पता चलता है जो इनकी इंक है ना वो इतनी कॉस्टली होगी बाद में कि इनकी जो प्रिंटर के ऊपर लॉस हुआ है ये निकल के आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग आपका। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या हो गया, इट कैन बी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल बेसिक प्रोडक्ट जो है ऑफरिंग या प्रोवाइडिंग सीट्स। आप देखिए आप प्लेन बुक करिए, टिकट बुक कर लिए, हो गया, उसके बाद में अगर आपको विंडो सीट लेनी है, अगर आप ऑनलाइन अपनी वो कर रहे हैं क्या कहते हैं सीट्स वगैरह आप बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, तो विंडो सीट्स के लिए अलग से चार्ज मांगते हैं, आपने पहले ही टिकट का पैसा दे दिया, ये हो गया ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपको अगर चाहिए एक्स्ट्रा लेग स्पेस चाहिए या आपको विंडो सीट चाहिए तो ये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे उसके लिए। सो दिस इज व्हाट आपको ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। बंडलिंग प्राइस, 1 पे 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री, तो दिस इज व्हाट बंडलिंग प्राइसिंग आपका। प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो गई आपकी, प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कई बार क्या होता है कि पुराना स्टॉक को हम बेचने की कोशिश करते हैं, साथ में लगा दिया बेच देते हैं ना, आपने देखा होगा 70% ऑफ पे या इस पे। उसके बाद में हम आ जाते हैं ज्योग्राफिकल प्राइसिंग के ऊपर, तो ज्योग्राफिकल प्राइसिंग क्या रहता है, जब हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस लगा रहे हैं। अमेज़न से आप ऑफर करिए, ऑर्डर करिए अगर किसी प्रोडक्ट को, तो अलग अलग सिचुएशंस में सॉरी अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग प्राइसेस के ऊपर आपको वो सेम प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। गोइंग रेट प्राइसिंग, जो भी मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है उसी रेट पे ऑफर कर दिया, कॉस्ट बेस यानी जो मेरी कॉस्ट आई उसके बेसिस पे ऑफर कर दिया मैंने अपना प्रोडक्ट को। यहाँ तक मेरे को बताओ क्या समझ आया, कैप्टिव
प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब हुआ जैसे इंक हो गया और आपका प्रिंटर हो गया, तो यहाँ पे प्रिंटर को कम रेट के ऊपर दे देते हैं आपको और इंक की जो प्राइसेस हैं वो हाई कर देते हैं। तो आपने अगर प्रिंटर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आप इंक बाद में लेंगे ही लेंगे। ओके, दैट इज आपका कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है प्रिंस, चलिए प्रमोशन डिसीजंस के ऊपर आएंगे हम। तो प्रमोशन डिसीजंस कवर अप करेंगे ना। प्रमोशन इज अनदर पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हम प्रमोशन की बात करें, भाई आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली, सब कुछ कर लिया कि आपको प्रमोट करने की ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट को, यानी हम कह सकते हैं प्रमोट करने का मतलब कि अब आपको कस्टमर को बताना है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप उसको खरीद लीजिए। तो इंक्रीज करने के लिए सेल का मार्केट शेयर जो है हम कैप्चर करने के लिए, या हम कह सकते हैं कस्टमर को बताने के लिए, हम बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे जिसके लिए हम प्रमोशन जो है अपना करते हैं। अब किस किस तरीके से प्रमोशन करते हैं, एक तो हो गया भाई जो ऐड आता है हमारा टीवी के ऊपर हो गया, या आपने यार बहुत सारे ऐड देखे होंगे, आपने YouTube के ऊपर बहुत ऐड आते हैं यार आजकल। सो दिस इज़ व्हाट एडवर्टाइजिंग एक तरीका हो गया प्रमोशन करने का। सेल्स प्रमोशन, भाई आपने देखा होगा कि वो किसी, आप उसके ऊपर जाइए, क्या क्या कहते हैं, किसी शॉप के अंदर जाइए, सेल्स प्रमोशन वगैरह होता रहता है। सो दिस इज़ अगेन अ तरीका, एक तरीका है आपका हम कह सकते हैं प्रमोशन करने का। उसके बाद में आप कहिए ये हो गया आपका, उसके बाद में आप कहिए सेल्स प्रमोशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपको डिस्काउंट्स वगैरह दे देते हैं, कूपन्स देते हैं, फाइनेंसिंग, या हम कहते हैं सैम्पल वगैरह देना। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, एक वो सैम्पल लग के आता है आपका। सो दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ आपका सेल्स प्रमोशन हम कह सकते हैं। बंडलिंग कर देना, कोई एक नया प्रोडक्ट लेके आया और पुराने जो मेरा बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट था उसके साथ में इसको हम फ्री कर दे रहे हैं, इसके साथ में बंडल अप कर दिया है मैंने, रिफंड दे रहे हैं, फ्री ट्रायल दे रहे हैं। मिंत्रा का आप देखिए, वो कहते थे ना घर पे आप मंगाइए और आराम से आप ट्राई करिए, पसंद आता है तो रखिएगा, अदरवाइज आप वापस कर दीजिएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करते हैं। वैक्यूम क्लीनर वगैरह आप स्टार्टिंग में जब नए नए आए थे तो घर पे आकर के लिटरली बकायदा वो साफ करके दिखाते थे, या जैसे जब आरओज वगैरह आए थे तो वो पानी लिटरली क्लीन करके आपको टेस्ट करके बताते थे। सो दिस इज़ व्हाट आपका प्रमोशन करने की कोशिश करें। बहुत सारे तरीके हैं। फिर पब्लिक रिलेशन बनाना, यानी अपने अपनी कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करना, एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेज, लॉबिंग, इस तरीके से हम कह सकते हैं पेड कवरेज नहीं करा रहे हैं, हम एक तरीके से अपनी कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक की इन नज़रों में, जैसे प्रेस के थ्रू, एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू, इवेंट्स करा रहे हैं, आपने देखा होगा वो IPL स्पॉन्सर करा रहे हैं, ये सारा कुछ आपका। सो दे आर ट्राइंग टू डू पब्लिक रिलेशंस। पर्सनल सेलिंग आपने देखा होगा घर पे आते हैं आपका बेचने के लिए ऐसा। सो दिस इज़ व्हाट आपका पर्सनल सेलिंग, अगेन आपका प्रमोशन करने का तरीका है। नीड क्यों है, हो सकता है कि भाई मेरे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो इलिटरेट हैं, उनको पता नहीं है, वो जाते ही नहीं, हो सकता है शॉप पे खरीदने के लिए, या हो सकता है वो कहीं अपनी अगल बगल वाली शॉप से सारा सामान ले लेते हैं और उस अगल बगल वाली शॉप पे हमारा प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो अब उनके घर पे जाके बताना पड़ेगा, हमको पर्सनल सेलिंग करनी पड़ जाएगी। सो देयर इज़ द नीड ऑफ पर्सनल सेलिंग ओवर हियर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस आ गया, मैंने प्रमोशन कर लिया, सब कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन भाई कि अब कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, उसने ऐड देखा आपका टीवी के ऊपर, अब उसको क्या, सॉरी, ऐड देखा आपका टीवी के ऊपर, अब उसको प्रोडक्ट चाहिए, नाउ व्हाट विल हैपन, आपका प्रोडक्ट जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास में पहुंचना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन फोकस करेगा, एस्टैब्लिश करना एक सिस्टम बेसिक लेवल से हम कह सकते हैं, ताकि कस्टमर को जब जहां प्रोडक्ट चाहिए वो वहां पे अवेलेबल हो पाए मेरे पास में। उसके बाद में यहां पे हम बात करें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जहाँ पे कस्टमर, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बना, एक ये पॉइंट और ये है मेरा कस्टमर, यहाँ पे ये जो बीच में सारा कुछ आ रहा है ना, सो दिस इज़ मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन हो सकता है इसके बीच में, हम कह सकते हैं एजेंट्स हो गए, डीलर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये सारे मेरे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं, एक तो हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर कस्टमर से, जैसे आप वेबसाइट से खरीद लीजिए, ईमेल मार्केटिंग हो गई आपकी, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली जब हम परचेज कर लें, एक हो गया मेरा प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर, एक तो हो गया प्रोड्यूसर रिटेलर, यानी बीच में
जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली रिटेलर के पास में प्रोडक्ट रख रहा है, देन हमारे पास में कहाँ प्रोडक्ट आ जा रहा है, कंज्यूमर के पास में. एक तो ये हो गया, फिर हो गया प्रोड्यूसर होलसेलर के पास में जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर एंड देन कंज्यूमर के पास में. फिर क्या हो गया, एक तो प्रोडक्ट आ रहा है एजेंट के पास में, जैसे आप देखें एमवे वगैरह. सो ये एजेंट्स के पास में आते हैं, एजेंट से हम कह सकते, हालांकि रिटेलर के पास में नहीं आते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में आ जाते हैं प्रोडक्ट से एजेंट, एंड एजेंट से डायरेक्ट आपका उसके पास में आ जाते हैं. तो अलग अलग हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो भी मेरी कंपनी का मोटिव है. अब जो है, एक तो हो सकता है आपके डायरेक्ट चैनल, यानी जिसको जिसको आपने देखा होगा टेली शॉपिंग वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, तो यहाँ पे कोई चैनल नहीं रहता है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के पास में पहुँच रहा होता है. उसके बाद में हम कह सकते हैं एक मेरे इनडायरेक्ट चैनल, जिसके अंदर ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे. फिर हम लोग आ जाएंगे कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ. तो अमेरिकन अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी इंटरेक्शन होगा कंज्यूमर का, हम कह सकते हैं मेरे प्रोडक्ट को लेकर, जो भी वो हम कह सकते हैं बिहेवियर एग्जिबिट करेगा. तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक डिसीजन प्रोसेस रहती है हमारी, इवैल्यूएट करते हैं, एक्वायर करते हैं, यूज़ करते हैं, डिस्पोज करते हैं प्रोडक्ट को. अब डेवलप करेंगे इफेक्टिव जो है आपकी स्ट्रैटेजी. मार्केटर्स को क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है. इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उनको टारगेट कस्टमर्स की, कि वो कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से बाइंग डिसीजंस लेते हैं, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू टैकल दैट. अब अगर हम कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर की बात करें तो हमारे पास में 5 स्टेजेस रहते हैं कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर की. तो वो 5 स्टेजेस मेरे पास में क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. तो सबसे पहले व्हाट हैपेंस कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर हैविंग अ पिंपल, सो दिस इज़ व्हाट, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई. जब तक एक कस्टमर को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी, वो कभी भी एक प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा. तो सबसे पहला क्या हो गया, प्रोडक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. तो आपने अभी एक प्रॉब्लम को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया. अब क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्च, भाई गूगल करेंगे हर एक चीज़, होम रेमिडीज़ हो गया, क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एवरीथिंग. नो यू, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सर्चिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. चाहे आप सेल्समैन को कॉन्टैक्ट करिए, चाहे आप गूगल करिए, चाहे आप टेलीविज़न पे देखिए, कहीं पे भी. फिर आपके पास में जो भी ऑल्टरनेटिव्स थे, आप उसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे. कोई भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं आपके पास में फेस वॉशेस के. आपकी प्रॉब्लम क्या थी, ये. अब इसके लिए आपके पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. तो अब क्या करेंगे, हम लोग परचेज डिसीजन लेंगे, एंड परचेज डिसीजन लेंगे. फर्दर हमारे पास में क्या आ गया, पोस्ट परचेज डिसीजन, कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा या नहीं उतरा. सो दिस इज़ व्हाट हम कह सकते हैं, सो दिस इज़ व्हाट हम कह सकते हैं मेरा एक तरीके से एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर रहता है, जिसको हम कह सकते हैं इतनी स्टेजेस रहती हैं. अब फैक्टर्स क्या क्या है जो मेरे बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे, एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे. एक तो हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर, भाई उसका जेंडर क्या है, उसके फिजिकल फीचर्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, जेनेटिक्स उसका, ब्रेन उसका. एक हो गया फैमिली रोल, कि भाई उसका सोशल ग्रुप कैसा है, फैमिली मेम्बर्स क्या है, फैमिली की सिचुएशन कैसी है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं उसके बिहेवियर को. देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं आपके. एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब, आप बहुत, अगर हम कह सकते हैं ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस उसी के तरीके से रहेगी. या आप हम कह सकते हैं जिस भी एरिया के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसी के तरीके से आपकी ड्रेसिंग सेंस रहती है. तो दीज आर ऑल्सो वेरी, हम कह सकते हैं प्रोमिनेंट फैक्टर हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे. सिचुएशनल फैक्टर, कंटिजेंसी फैक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे. फिर आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी सेल्फ एस्टीम हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ईगो आपका. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. फिर हम लोग आ जाएंगे सर्विस मार्केटिंग के ऊपर. सर्विस मार्केटिंग क्या है, इज मार्केटिंग बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड वैल्यूज़ आपका. नाउ इट मे बी यूज टू मार्केट अ सर्विस या प्रोडक्ट. मतलब जैसे जैसे इंक्रीज होता है प्रोमिनेंट सर्विसेज का ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जो सर्विस मार्केटिंग है ना मेरी, वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं स्टडी करी जाने लग गई. अब सर्विस मार्केटिंग की हम बात करें या मार्केटिंग सर्विस की बात करें, इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग गुड्स, क्योंकि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सर्विसेज की, जिसको हम कह सकते हैं इनटेंजिबल सर्विसेज, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मार्केट करने की कोशिश करते हैं. अब अगर हम फीचर्स की बात करें, भाई सर्विसेज के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनटेंजिबल इन नेचर है, हम लोग उसको इनसेपरेट नहीं कर सकते, यानी सेपरेट नहीं कर सकते, सॉरी,
जैसे आपके डेंटिस्ट, म्यूजिशियंस, डांसर्स. अब ये जो ये सर्विस दे रहे हैं डेंटिस्ट आपको, आप इस बंदे से इस सर्विस को अलग नहीं कर सकते. म्यूजिशियंस, आप इस बंदे से इसको अलग नहीं कर सकते. दिस इज इनसेपरेबल इन नेचर. हेट्रोजिनेटी, वेरिएबिलिटी है भाई, वेरी करेगी पीपल टू पीपल, अलग अलग. पेरिशेबल इन नेचर है, हाई डिग्री ऑफ पेरिशेबिलिटी रहती है आपकी सर्विसेज के अंदर. डिमांड चेंज होती रहती है, सर्विसेज चेंज होती रहती हैं, प्राइसेज आपका डायरेक्ट चैनल रहता है यहाँ पे आपका. तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें मार्केटिंग सर्विसेज, सर्विसेज को जो आप मार्केट करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या रहता है आपका कि आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते. ज़्यादातर भाई जो डेंटिस्ट है वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता अपनी सर्विस को. ऐसा नहीं हो सकता कि एक बारी करके दिखाएगा एंड देन उसके बाद में आप देखेंगे कि करवाना है कि नहीं करवाना है, राइट. तो ये हम कह सकते हैं मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं रहती हैं, इनकंसिस्टेंट. भाई कभी अच्छी हो गई, कभी बुरी हो गई आपकी सर्विस. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइज कहीं ना कहीं. सोशल मार्केटिंग की बात करेंगे. सोशल मार्केटिंग की अगर आप बात करें तो ये आपके थोड़े से अपडेटेड टॉपिक्स हैं जो आपके ऐड हुए हैं सिलेबस के अंदर. ना सोशल मार्केटिंग की बात करें, इज़ द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग अलॉन्ग विद अदर कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक, ताकि हम एक स्पेसिफिक बिहेवियरल गोल जो है, सोशल गोल जो है, उसको अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस में इंक्लूड आस्किंग पीपल नॉट टू स्मोक इन पब्लिक एरियाज, नाउ आस्किंग देम टू यूज सीट बेल्ट, या प्रॉम्प्टिंग देम टू फॉलो स्पीड लिमिट्स. अब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एम जो सोशल मार्केटिंग का है वो सोशल गुड, वेयर एज कमर्शियल मार्केटिंग जो है वो प्राइमरीली फाइनेंशियल गोल के ऊपर हमारी बेस्ड रहती है. अब यहाँ पे क्या करते हैं, कैंपेन्स लेके आ रहे हैं कंपनी, कैंपेन्स लेके आ रहे हैं अवेयरनेस से रिलेटेड, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड. जैसे एंटी टोबैको कैंपेन्स हो गए, एंटी ड्रग कैंपेन्स हो गए, एंटी पॉल्यूशन कैंपेन्स हो गए, रोड सेफ्टी कैंपेन्स हो गए यहाँ पे आपके. उसके बाद में अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास में अगर हम बात करें, तो 6 डिफरेंट एडवांटेजेस की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को एक कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, यूज़फुल हैं जिसको हम कहें. तो यहाँ पे प्रमोट हो रहा है कंजम्पशन सोशली डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स का, हेल्थ कॉन्शियसनेस हमारी प्रमोट हो रही है, ग्रीन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स जो है वो हमारे प्रमोट हो रहे हैं. सोशल इविल्स जो हैं वो हमारी हम कह सकते हैं इरेडिगेट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी लाइफ को हैम्पर करती हैं जो इविल्स हमारी जो है मार्केटिंग की. हो सकता है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको हैम्पर करते हैं, बट स्टिल उनको मार्केट किया जाता है. तो सोसाइटी मार्केटिंग की अगर हम बात करें, इस सोशल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो एक सोसाइटी के लिए अच्छे हैं. फिर ऑनलाइन मार्केटिंग की हम बात करें, आजकल आपने सबने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट आपका, आप जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाइए आप हर जगह एडवर्टाइजमेंट. दिस इज़ व्हाट आपका ऑनलाइन मार्केटिंग है. सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट, दिस इज़ आपका ऑनलाइन मार्केटिंग. बेनिफिट्स क्या क्या है ऑनलाइन मार्केटिंग का, आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहता है कहीं ना कहीं, आप एक बड़े कह सकते हैं ऑडियंस को आप अप्रोच कर सकते हैं, आप उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की. ईमेल हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स हो गया आपका, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, इवेंट्स हो गया, वेबिनार्स आप आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे हो गए आपके. सो दिस इज़ वॉट हम कह सकते हैं, दिस इज़ वॉट आपका ऑनलाइन मार्केटिंग के टूल्स आर. ग्रीन मार्केटिंग बात करेंगे, ग्रीन मार्केटिंग क्या है. अब ग्रीन मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा आजकल बायोटेक और ये वो सबका जो है का आ रहा है. सो ग्रीन मार्केटिंग के अंदर हम लोग पॉजिटिवली हेल्थ ऑफ द पीपल जो है और जो इकोलॉजिकल हमारा एनवायरनमेंट है इसको नोटिस करने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश करेंगे, उनको प्योर प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए इंसिस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई प्लास्टिक का यूज़ कम करिए, कंजम्पशन हर्बल प्रोडक्ट्स का इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, कैरी बैग लेके आइए आप, इसको रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे. गो ग्रीन की यहाँ पे हम बात करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आपका ग्रीन इज़. तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या कि जो फॉरेस्ट हैं उनको आप प्रोटेक्ट करिए, हर्बल मेडिसिन का यूज़ करिए, योगा का यूजेज करिए आप, रिसाइकिल करिए वेस्ट को, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ हार्मफुल वेपन्स या एटॉमिक वेपन्स के ऊपर हम कह सकते हैं इस तरीके से. दिस इज़ व्हाट आपका गो ग्रीन, ग्रीन मार्केटिंग की जिसकी हम बात करें. नाउ डायरेक्ट मार्केटिंग की अगर हम बात करें, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, जहाँ पे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इन विच जो फिजिकल मार्केटिंग मटीरियल्स हैं आपके आर प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट या सर्विस. यहाँ पे हम डायरेक्टली मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं.
टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो जैसे आपको कैटलॉग्स हो गया, मेल्स आपको आते हैं, फ्लायर्स आपको आते हैं, सो दिस इज़ व्हाट आपका डायरेक्ट मार्केटिंग इज, यानी डायरेक्टली आपके पास, जिसको हम बोलते हैं फेस टू फेस सेलिंग हो गया आपका। उसके बाद में ईमेल में आपको मार्केटिंग आती होगी, टेली मार्केटिंग, वो आपने देखे होंगे एडवर्टीजमेंट, नापतोल एंड सारी चीज़ों के, सो दिस इज़ आपका टेली मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गई, वॉइस मेल मार्केटिंग हो गई, आपको कॉल करके आता होगा ना वो बेचने के लिए एक तरीके से, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल्सो दिस इज़ आपका वॉइस मेल मार्केटिंग। देन आपका कूपॉनिंग हो गया, कूपॉन्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं। देन डिजिटल कूपॉन्स हो गए, आप ऑनलाइन आप देखिए आपको जो आप लोग पेमेंट करते हैं गूगल पे या किसी भी UPI ऐप से, आजकल आप देखिए पेमेंट्स वगैरह करिए तो वहाँ पे वो कूपॉन्स वगैरह देते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स के यहाँ पे कूपॉन्स होते हैं, सो दिस इज़ आपका सॉर्ट ऑफ ए डिजिटल डायरेक्ट मार्केटिंग आपका। देन आपका डायरेक्ट रिस्पॉन्स TV हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग वाया टेलीविजन आपका हो गया, तो जहाँ पे आपको हम कह सकते हैं आप 30 या 60 सेकेंड्स के कमर्शियल्स जो है आपको देखने पड़ते हैं एंड उसके बाद आपको रिस्पॉन्स वगैरह देना पड़ता है, जिसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना है, येस नो, इस तरीके से आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर भी सर्वेज वगैरह आते हैं, बीच बीच में एड्स की जगह पे सर्वेज वगैरह आते हैं, तो इसको यू कैन इंक्लूड इन दिस। देन डायरेक्ट सेलिंग हो गया। रूरल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो रूरल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन इकॉनमी का हैज़ प्लेड एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल। अब इंडिया की अगर हम बात करें, लीविंग आउट अ फ्यू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को या डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम हटा दें तो हम लोग रूरल मार्केट से कनेक्टेड है ना। रूरल मार्केट इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ज़्यादा बड़े रेवेन्यूज़ देके आती हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि मेजर सेक्टर की अगर हम बात करें सो दैट इज़ रूरल इंडिया की अगर हम बात करें तो रूरल मार्केट इन इंडियन इकॉनमी जनरेट करता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज इनकम। तो रूरल मार्केटिंग इंडिया की इकॉनमी के अंदर हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, द मार्केट फॉर कंज्यूमर गुड्स जो कंप्राइज करते हैं आपके ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फिर हमारे पास में आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स वगैरह, जो भी आपके एग्रीकल्चरल इनपुट्स की अगर हम अब बात करें। तो यहाँ पर अगर हम प्रिसाइजली बात करें रूरल मार्केटिंग इंडियन इकॉनमी के अंदर, तो यहाँ पर हम दो ब्रॉड हेड्स की बात करते हैं, सेल करना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन अर्बन एरियाज के अंदर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को रूरल रीजन्स के अंदर, यानी आप देखिए क्रॉस कनेक्शन लगाने की यहाँ पे बात हो रही है, सो दिस इज व्हाट आपका रूरल मार्केटिंग इज। CRM की अगर हम बात करें, CRM दैट इज़ आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो रेफर करता है सारी वो स्ट्रैटेजी, सारी वो टेक्निक, सारे वो टूल्स, हमारी टेक्नोलॉजी जो एक एंटरप्राइज इस्तेमाल करती है किस लिए, कि ताकि हम अपने कस्टमर को डेवलप करें, रिटेन करें, एक्वायर करें, आप लॉयल्टी कार्ड जो ये जितना भी सारा कुछ है, दिस इज़ व्हाट आपका आ जाएगा CRM के अंदर, आपका इंक्लूड हो जाएगा। नीड क्या है भाई, हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, लंबे समय तक उसको रिटेन करके रखना है, हमको चाहिए कि वो जब अपने घर जाए तो विद अ स्माइल वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोले, उसके बाद में वापस आए हमारी कंपनी की तरफ, हमारे प्रोडक्ट को वापस से परचेज करने की कोशिश करे। तो एसेंशियल्स की अगर हम बात करें, हम केवल सेल्स नहीं करना चाहते हैं, हम एक तरीके से ऐसा हम उनको प्रोडक्ट पर देना चाहते हैं अपना, उनकी पॉकेट के अंदर होल नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उनसे हम झूठ बोलें, हम उनको वही प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं जो फेक ना लगे, उनको ये ना लगे कि यार हमने उनको बेवकूफ़ बना दिया, वो वापस आए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, उनको लगे कि दिस वॉज वैल्यू फॉर मनी। कीप इन टच विद दी कस्टमर्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग की यहाँ पे बात करेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के ऊपर। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ये कंसिस्ट करता है वो सारी प्रोसेस, वो सारी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, किसके लिए, रॉ मटेरियल आया, वर्क इन फ्लो हुआ आपका, फिनिश्ड गुड्स बना और कस्टमर तक जब तक पहुंचा, ये पूरा मेरा कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, मेरे लॉजिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए लॉजिस्टिक्स मेरा दो तरीके का, इनबाउंड आउटबाउंड। इनबाउंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इज़ कंसर्न्ड विद स्मूथ एंड कॉस्ट इफेक्टिव इनफ्लो ऑफ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स की हम बात करेंगे, देखो सोर्स ऑफ सप्लाई आपका। आउटबाउंड की अगर हम बात करें तो जो कस्टमर्स, तो ये पूरा आपका जो है लॉजिस्टिक्स के अंदर कवरअप हो जाता है आपका। सो होपफुली आपको ये रिविजन सेशन जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये रिविजन सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो दिस वॉज अगेन अंडर 2 hours आपका, 1 hour 15 minutes आई बिलीव वी कम्प्लीटेड होल ऑफ दिस मार्केटिंग। तो आप देख लीजिए दिस वॉज आर सिलेबस एंड हमने पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है इसको रिवाइज किया है आपका। ओके सो एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक।
श्योर, मैं पूरा BM NHRM का भी रिवीजन लेके आऊँगी फॉर ईच एंड एवरी यूनिट आई एम ट्राइंग. ओके, BM NHRM पूरा का पूरा. ओके, सो वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. अगले सेशन तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर. तो अगले रिवीजन सेशंस के अंदर हम लोग मिलेंगे. सो टिल देन आप लाइक कर देना सेशन को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. बाय गाइज, टेक केयर.